हमारी बारान रहमत की ट्रांसमिशन बहुत अच्छी खुशबू। सबसे पहले हमने चिकन बोनलेस ली थी और उसके अंदर हमने कनौर का जो चिकन पाउडर है वो डाला और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और दही हमने शामिल करके भून लिया और उसके बाद तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए। गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा काली मिर्च है और सफ़ेद मिर्च पाउडर है और जायफल जावित्री का जो पाउडर होता है वो भी हमने थोड़ा सा ऐड किया और इसके साथ जो है हमने बादाम का पेस्ट ऐड कर दिया और आखिर में जब ये खुशबू ऐसी आने लगे जैसे आप तक आ रही हैं तो आखिर में ऑलपर्स जो क्रीम है इसे आपने हांडी के अंदर, इसलिए कि क्रीमी हांडी है और इसको लगाने के बाद फिर इसे आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है और इसे आपने सिर्फ मिक्स करना है और दम पर छोड़ देना है। जैसे इसका ऑयल ऊपर आ जाए और उसके बाद फिर आपने इसे नान के साथ, पराठों के साथ और चपातियों के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इसे हम नाम ले रहे हैं नान के साथ, पराठों के साथ जी। और यहाँ अकबर जो ड्रिंक है वो मैं तैयार करने जा रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है सहरी ड्रिंक जी। सारी चीज़ें फ़ायदेमंद है और बेतहाशा फ़ायदेमंद। सबसे पहले शहद इसमें और तकरीबन एक खाने का चम्मच दालचीनी का पाउडर, ठीक है, ये आधा चाय का चम्मच। बनाना, ये भी बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है, अगर आप सहरी स्किप करते हैं उसकी जगह पर दो इसमें आपने केले ले लेने। एक अंडा जो है देसी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये आप नॉर्मल जो अंडा होता है। और इसके साथ हमने लेना है ऑल पर्स फुल क्रीम मिल्क और ये जो है आपने इसमें ऐड कर दिया और इसे आपने सिर्फ मिक्स कर दिया आपस में। अगर कुछ लोग इसमें चीनी डालना चाहें तो उनके अपनी मर्जी। शहद डाल दिया है मैंने, अगर इसके जगह पर आप चीनी ऐड करना चाहें, अगर शहद नहीं है तो चीनी ऐड कर सकते हैं या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं और अगर इसको फायदेमंद बना सकते हैं जी अपने सेहत के हिसाब से। इसको आपने मिक्स कर दिया और ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें, बेहतरीन सी आपके ड्रिंक जो है वो तैयार हो जाएगी। सहरी में अगर आप स्किप कर जाते हैं सहरी को तो आप इसे ले सकते हैं। ये आम दिनों में सुबह का नाश्ता अगर जल्दबाजी में होता है, बहुत सारे लोग ऑफिस जाने की जल्दी में होते हैं तो वो प्लीज़ अपना सुबह का नाश्ता ना छोड़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे बेहतर है कि आप इस टाइप की ड्रिंक अपने साथ शामिल करें। और इसके साथ साथ समोसे हमारे तैयार हो चुके हैं, साथ में हमने कनौर का चिली गार्लिक सॉस जो है वो हमने इस्तेमाल किया, इसके साथ केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, इस रमज़ान को जो है बचत के हिसाब से भी आप बना सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस और केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रेसिपीज, तैयार हो चुकी है और प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब जी। डॉक्टर फरहान जी, आप बताएं कि आप कोई रेसिपी, आपकी भी कोई रेसिपी है मेडिकल हवाले से? बिल्कुल, मेरी भी रेसिपीज़ हैं, मेरी प्रॉपर नुस्खे हैं जो आप लोग पसंद कर रहे हैं। आपने पूछा था धूप में बाल सफ़ेद हो सकते हैं, जो मैंने आपसे मेलानिन का जिक्र किया था वो सूरज से यूवी जो रेज होती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है हमें, अगर वो कम हो जाता है तो हमारी स्किन और बाल ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको जल्दी से बनाना बता देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो आपने बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं वो इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएंगे, आपने 2 से 3 महीने इसका इस्तेमाल करना है। खजूर की गुठली निकाल लेनी है आपने, गुठली निकालने के बाद आपने इस तरह उसका अच्छी तरह पेस्ट बना लीजिएगा, उसको आप ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरह उसका पेस्ट बन जाएगा, खजूर की गुठली निकाल के खजूर का पेस्ट बन जाएगा। बादाम आपने 50-50 ग्राम आप ले लीजिएगा, बादाम आपने इसमें मिक्स करना है, बादाम का पाउडर बना लेंगे आप, तकरीबन आधा चम्मच मैंने मिलाया है। इसी तरह अखरोट का आधा चम्मच आप इसमें मिला लेंगे और आंवला, आंवला आपको मिलेगा, आंवला आधा चम्मच आपने मिलाना है। आंवला 50 ग्राम ले लें आप, बादाम 50 ग्राम ले लें, अखरोट 50 ग्राम ले लें और 20 ग्राम आपने खजूर लेनी है, आपकी एक क्वांटिटी बन जाएगी इस तरह का, एक ये माजून बन जाएगा आपका, ठीक है। जब ये आपका माजून बन जाएगा तो आप इसको आधी चम्मच जो है सुबह नाश्ते के बाद आपने लेनी है, सुबह नाश्ते के आधा घंटे के बाद, और आधी चम्मच आपने रात को खाने के बाद लेनी है। इसके साथ आपने लेना है कुश्ता फौलाद, आपको आराम से मिल जाएगा, हमदर्द से भी मिल जाएगा। कुश्ता फौलाद आपने दोपहर में आधी चम्मच लेनी है क्योंकि वो बालों को वापस से सफ़ेद कर देता है। और मेरे और मुरब्बा हार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं ये वो चीज़ें हैं जो आपको घर में बहुत सस्ते और कम पैसों में आपके इलाज हैं, और ये जब आप इस्तेमाल करेंगे, छोटे बच्चों का आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल
बहुत टाइम हो जाएगा मगर ब्लैक नहीं होंगे, वाइट नहीं सॉरी होंगे, ब्लैक ही रहेंगे। तो इस तरह मेरे पास होम्योपैथी के ड्रॉप्स हैं। एसिड एसिड फोर्स जो है ये क्यू में लेना है आपने, एसिड फोर्स क्यू और एसिड फोर्स 200, ये आपने दोनों को 5-5 ड्रॉप्स मिलाने हैं पानी में और दिन में 3 बार लेना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो मेलानिन की कमी हो रही है वो वापस से पूरी होना शुरू हो जाएगी। और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं एंड में आपको बताऊंगी कि आप किसी भी वायरस से बचने के लिए नीम की गोली बनाना बताऊंगी, तो वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। अगर आज हुआ तो डेफिनेटली टाइम तो आज पूछेंगे, नहीं तो आप ये कल जरूर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक लम्हे ज़ाय किए बगैर शुरू हो जाए। जी जी ठीक है। कराची से अनवर साहब ने पूछा है कि मैदे में आगा साहब ज़ख़म हैं, कोई इलाज बताएं। तो अनवर भाई मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, उसे नोट कर लें, 20 ग्राम कासनी के पत्ते और जड़, 20 ग्राम कासनी के पत्ते और जड़, खुश्क कासनी के पत्ते आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे, जड़ भी वहीं से मिल जाएगी आपको। इसको उबाल लें और छान कर इसका जो कहवा है वो निकाल लें, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन भर में 2 टाइम इस्तेमाल करें, सुबह सहरी के बाद और शाम को अफ्तारी के बाद। ठीक है, आपका ये ज़ख़म है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हफ्ते से 1.5 हफ्ते में आपको आराम आ जाएगा और आपको तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद अमरीका से अंजुम साहिबा ने पूछा कि आगा साहब मेरे बच्चों का हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए बताइए, ज़रा पढ़ाई में स्लो हैं, ज़रा बातें भूल जाते हैं अभी से। तो मेरी बहन, मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा अर्ज़ कर रहा हूँ, उसको नोट कीजिए, अखरोट को शहद के साथ मिला के खाना है। अब ये छोटे बच्चे हैं तो आप उनको अखरोट की जो गिरी होती है ना, अंदर जो गिरी होती है उसका जो मगज़ होता है वो 2 के करीब, उसमें 1/2 चम्मच शहद मिलाइए और 2 गिरी अंदर की वो खिलाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या है कि बच्चों को, आपके बच्चों का हाफ़ज़ा कवी हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर बच्चे ये पसंद ना करें तो एक चीज़ और बता रहा हूँ, थोड़ा सा पानी में शहद घोलिए और गंदम की जो भूसी होती है वो वहाँ स्टोर्स पे आराम से मिल जाती है, वो 1 चम्मच टेबल स्पून उसमें मिलाइए, अगर बच्चे वो पी लें तो वो दे दीजिए। दोनों चीज़ों से बहुत तेज़ी से हाफिज़ा बच्चों का तेज़ हो जाया करता है। अच्छा, शारजा से मिसेस राना पूछती हैं कि आगा साहब आप सबको बता रहे हैं, हमें नहीं बता रहे हैं कि साहब ये दाग धब्बे हम कैसे दूर करें। तो मेरी बहन, मैं आपको क्यों नहीं बताऊँगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप ये नोट करें। आपने यही इसी तरह से सवाल पूछा तो मैंने वही आपका वो लहजा भी दोहरा दिया। तो देखिए, सयाह शहतूत के पत्ते, जो काला शहतूत होता है ना, उसके दरख्त के पत्ते आपको पंसार से मिलेंगे, उसको कहिए काले शहतूत के जो पत्ते होते हैं उस दरख्त के, वो मुझे चाहिए। उसको सफ़ूफ बना लीजिए और उसमें शहद मिक्स कीजिए, उसको शहद मिक्स करने के बाद जब वो पेस्ट बन जाएगा आप अपने चेहरे पर 2 घंटे के लिए सिर्फ लगाइए, 24 घंटे में एक बार, दो जो टाइम आपको सूट करता हो 2 घंटे के लिए लगाइए, उसके बाद चेहरा धो लीजिए और 10 दिन के बाद फिर मुझे दोबारा मैसेज कीजिएगा, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, बहुत फ़ायदा होगा अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, एक चीज़ और है, फैसलाबाद से खातून ने पूछा, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया उसमें, तो एक खातून ने पूछा कि आगा साहब सर में जुएँ बहुत हैं, अब इसका कोई नुस्खा बताएँ। तो मेरी बहन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि पसीना ज़्यादा होने की वजह से, और अगर कपड़े आप देर से थोड़ा सा चेंज करें तो उसकी स्मेल की वजह से भी जिस्म में पसीने की वजह से सर में जुएं पैदा हो जाती हैं, सर में पसीना ज़्यादा आता है। एक तो अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही तो रोज़ाना गुसल जो है वो लाजमी, बच्चों के सर में है, छोटे छोटे बच्चे उनके दो, उनके उन्होंने कहा लड़कों के सर में मेरी बड़ी जुएं, तो उनको रोज़ाना तंबी नसीहत करके नहलवाइए और उनके सर में आप मूली का तेल आपको बाज़ार से अच्छी तरह से आराम से मिल जाएगा। मेरी बहन, मूली का तेल उनके सर में लगाइए, पहले दिन जो रिस्पॉन्स आएगा आप बड़ी खुश होंगी, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा लगाना है, पूरे महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 दफ़ा आप 8 दफ़ा लगा लेंगी आप यकीन करें आप ज़िंदगी भर मुझे दुआ देंगी। और जो लोग सुन रहे हैं वो इस पे अमल करें, जिन बच्चों के सर में जुएं पड़ जाती हैं आप हैरान हो जाएंगे, जुएं ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और खिदमत में आपकी अर्ज़ कर रहा हूँ, एक साहिबा ने पूछा कि हाँ, एक बच्चे ने पूछा, नौजवान ने, मैं इस बात से बड़ा खुश हुआ हूँ, बच्चे ने पूछा आगा साहब मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, उस बच्चे ने मुझे नाम बताने के लिए मना किया, लेकिन खुशी इस बात की है कि उसको ये एहसास है कि मुझे छोड़ना चाहिए, वो नशा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी किस्म का नशा करता हो, लेकिन मुझे खुशी यह है कि मेरे मुल्क का नौजवान बेदार है और उसका ज़मीर ज़िंदा है, वो नशा छोड़ना चाहता है। तो बेटे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे लाल आप इसको नोट कीजिए,
और उस बच्चे ने मुझे 3-4 दफ़ा ये मैसेजेस किए और मैंने कहा था, मैंने सोचा था कि मैं लाइव जवाब दूंगा ताकि और भी जो दूसरे बच्चे हैं वो सुन लें और इससे इस्तफादा हासिल करें। उसका नुस्खा ये है बेटा कि आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ कि अजवाइन का 1 टेबल स्पून पानी में उबालें। अजवाइन को 1 टेबल स्पून अजवाइन को पानी में उबालिए, उसको जोश दीजिए और उसमें बेरी का शहद 1 चम्मच मिलाइए और उसको मैश कीजिए और उसको दिन में 3 टाइम इस्तेमाल कीजिए। आप इसको जब 3 टाइम इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो आपको 1 से 1.5 महीने में इंशाल्लाह ताला इससे जान छूट जाएगी आपकी और आपको बार बार उस नशे की तलब नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को आज से 20 साल पहले से बताता चला आ रहा हूँ, आप यकीन करें 90% माशाल्लाह से लोगों का फाका होता है, लोगों का वो छूट जाता है। जी ब्रेक लेंगे। जी बिल्कुल, ब्रेक से पहले डॉक्टर फरा आप कुछ बताना चाह रही थी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि 3 चीज़ें हैं और आपको किसी भी किस्म का वायरस, कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बहुत से वायरस आए हैं, लेकिन ये आपके ऊपर कोई मलेरिया का बुखार या किसी भी किस्म की चीज़ है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इससे इफ़ेक्ट हो जाएगी। नीम के पत्ते आपको पंसार से मिल जाएंगे, आप अपने घर में भी अगर दरख्त है, हर घर में ऑलमोस्ट आजकल मौजूद होता है, पत्ते आपने लेने हैं, सुखाने हैं और उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के इसी तरह कलौंजी का भी आपने पाउडर बना लेना है, तकरीबन 20 ग्राम आपने नीम के पत्तों का पाउडर लेना है और 20 ग्राम आपने कलौंजी और कलवंजी भी इसको कहते हैं, इसका पाउडर आपने इसमें मिक्स करना है। मिक्स करके इसी तरह इसमें जो शहद है, बेरी का शहद, अब्बास भाई ने बहुत अच्छा बताया, ये बिल्कुल ख़ास बेरी का शहद ही है, इसको इसमें हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो बिल्कुल एक माजून टाइप का बन जाएगा, एक गाढ़ा सा माजून बनेगा और उसके आपने छोटी छोटी सी गोलियाँ बना के वो सूख जाएंगी। गोलियाँ बना के आपने पूरे दिन के लिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है वरना मैं आपको बताती कि इस तरह आपकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बन जाएंगी, तकरीबन जितना काली मिर्च होती है उसके बराबर की आपने, क्योंकि अभी हमारे पास इसको ठहरने में थोड़ा टाइम लगता है, काली मिर्च के बराबर की आपने गोलियां बना के उसको सुखा लेंगे आप, इस तरह ये बनना शुरू हो जाएंगे, उसको सुखा लेंगे, हाथ से बन जाएंगी आराम से। साथ साथ थोड़ा सा नीम के पाउडर आप अपने पास रखिएगा, उसको साथ लगाते रहिएगा, जैसे आप आटे की गोलियाँ बनाते हैं उस तरह आप छोटी छोटी सी गोलियाँ बना के उसको पेपर पर फैला देंगे। जब वो सूख जाएंगी, दिन में आपने नाश्ते से आधा घंटा पहले 1 गोली खा लें और रात को दूध के साथ ले लें, आप देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो किसी भी किस्म का बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है या किसी वायरस ने अटैक किया वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चाहूँगी कि एक आप दोनों शख्सियात ज़रूर बताइए कि लॉकडाउन के हवाले से जो नरमी हो रही है इस हवाले से आप इसकी फेवर में हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फेवर में तो हूँ मैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर मेरा इम्यून सिस्टम हाई है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत मज़बूत है और मैं सब जगह जा रहा हूँ आ रहा हूँ और मुझे अगर लग भी गया और वो असर नहीं कर रहा कोरोना, मैंने कोरोना उठा लिया किसी बाज़ार में जाके, किसी ठेले वाले के फ्रूट या कहीं से भी लिया, कहीं से उठा लिया कोरोना मैंने और मैं लेके घूम रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों को तो बांट रहा हूँ ना, मैं मेरा तो इम्यून सिस्टम हाई है, मैं समझ रहा हूँ बहुत मजबूत हूँ मैं, लेकिन मैं दूसरों को तो लगा रहा हूँ ना मैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है, अगर मार्केटों में जाइए मास्क लगा के जाइए, चूँकि कारोबार तो करना है, एक दुनिया का सिस्टम तो चलना है। ठीक है बाज़ार खुलने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गरीब लोग हैं उनका रोज़गार की बहुत अहमियत है और गरीबों का चूल्हा हर हाल में जलना चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ करें, मास्क लगा लें, बस एक छोटा सा एहतियात, मास्क लगा लें, सब जगह जाएँ, बाज़ार खोलें, सब जगह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होने का, सब अमन अमान रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, मुख्तसर आप भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं भी आगा अब्बास साहब की बात को एग्री करूंगी कि आप एहतियात कीजिए, अपना एहतियात करें, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जो मैंने आज गोली बनाना बताई है नीम की गोली, ये इफ़ेक्टिव है, इसको ज़रूर खाएँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं रीमा जी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ है, वायरस है और बहुत से जानने वालों को भी हुआ है, तो एहतियात। जो लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, उनके सामने ये सूरत हाल है कि दुनिया के 200 ममालिक जो हैं वो इस वबा की ज़द में आ गए हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में जो अम्बात हो रही हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। कोई एक मुल्क झूठ बोल सकता है, 200 ममालिक झूठ नहीं बोल सकते, मगर अल्लाह हमारे मुल्क पर अपनी रहमत रखे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से गुलजार साहब? देखें हर मुल्क की अपनी एक इकनॉमी होती है, उसका अपना एक सिस्टम होता है, कुछ लोग, कुछ मुल्क अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। हमारे मुल्क में जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पर इतने वसाइल नहीं है, तो हुकूमत पूरे मुल्क को तो नहीं संभाल सकती है, तो इसलिए लॉकडाउन को थोड़ा सा नरम करके एहतियाती तदाबीर के साथ
लेकर चलना चाहिए और इसमें आवाम का भी तकरीबन बराबर ही हिस्सा होना चाहिए जितना हुकूमत का। ये आप नहीं कह सकते कि हुकूमत ही सब कुछ करे। हम अगर इस चीज़ पर अमल नहीं करेंगे तो कभी भी ये सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने रवैये में तब्दीली, वैसे आ रही है इंसानों में बहुत सारी इस कोरोना वायरस की वजह से, और कुछ लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, कुछ सीरियस ले रहे हैं, कुछ इसको मजाक समझ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लोगों के अपने अपने तरीक़ेकार हैं, लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि सीरियस लें इन मसलों को, और आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इसलिए कि आप पाकिस्तानी हैं। या आपके ज़रिए अगर दूसरे को कुछ वायरस लगता है तो ये भी इसमें आप गुनाहगार होंगे, और इसका जो है सज़ा आपको भी, आपकी पूरी फैमिली को भी नुकसान पहुंच सकता है इसका। जी बिल्कुल, क्योंकि दुनिया, हालात और वक्त अब वो नहीं रहा जी, बिल्कुल, कि हम एक दूसरे से टकराएं, एक दूसरे के साथ उस तरह से मिलें बैठें। सब कुछ वक्त के साथ साथ थोड़ा तब्दील हो गया है और हमें इंतज़ार करना है कि वो वक्त वापस आ जाए जब ये सारी एक्टिविटीज़ हम दोबारा से कर सकें। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की इस खूबसूरत बात से मैं इस वक्त ब्रेक लेना चाहूँगी। उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही कि जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनोमट्टी तले चले जाते हैं, अगर उन्हीं गुसील बातों पर, उन्हीं बुरी बातों पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजर सकती है। जी हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में एक बहुत ही खुश गुफ्तार कपल है जिनकी गुफ्तगू सुनकर आप यकीनन बहुत महसूस होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।